हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही होगी? नहीं आ रही होगी तो चलो चेक करेंगे, आ रही है कि नहीं आ रही। तो अभी मैं निकली हूँ अपने रूम से, एक बार ये कुछ ये बन के तुम्हें पता ही नहीं लग रहा होगा। मेरा हेलमेट ही बड़ा तगड़ा दिया है मैंने। तो मैं कह रही कि चलो तुम्हारे को पहले बाइक दिखा दूँ मैं अपनी, जिस पे हम आज जाएंगे और स्टार्ट करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। तो दिखाती हूँ मैं अब तुम्हारे को, रेडी हो? डूम, ये है अपनी बाइक जो अभी मेरे पास है। और ये देखो 220 क्रूज एवेंजर की आप बाइक है, इसमें भी अपन मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, ठीक है? तो मैं बैठ गई हूँ बाइक पे। तो आप देखिए, अभी मेरे पास कुछ सेटअप नहीं है गोप्रो को अटैच करने का, मंगवा रखा है। अभी कुछ तिगड़म करूँगी और इसको किस तरह सेट कर दूँगी। तो मैंने किसी तरह करके सेटअप कर लिया इसका, अभी चलो चलते हैं। तो अभी का सीन ऐसा है, मैं जा रही हूँ चंडीगढ़, मेरा हो गया है ज़रा लैपटॉप ख़राब, तो इसका सर्विस सेंटर है चंडीगढ़ में सेक्टर 35। थोड़ा सा मैं लेट हो गई क्योंकि यार मैं सो गई थी बीच में, और जब आंख खुली तो देखा कि 4:30 बज गए। तो सीन ये है कि सर्विस सेंटर रहता है 6 बजे तक खुला, और टाइम हुए अभी 5:45। यार पीछे एक सीन हो गया था तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद आवाज़ आ गई होगी, पर ये बाइक की स्पीड की वजह से वो सारी आवाज़ कट गई। खाली शोर शोर ही आ रहा है और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मतलब कुछ कुछ जगह पे, सारी जगह पे नहीं है। जहाँ पे मुझे लगा कि बता देना चाहिए कि आपको क्या हुआ था पीछे, तो वहाँ पे मैं वॉइस ओवर यूज़ कर रही हूँ। तो पीछे खड़ी हुई थी पुलिस और मेरे पास डॉक्यूमेंट थे नहीं, पर और मुझे लग गया था डर, पर उन्होंने मेरे को रोका ही नहीं। पर चलो अगर रोकते भी तो क्या ही था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट तो है पर इस वक्त नहीं थे। जो मेरे को जानते हैं उनको पता ही होगा मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट है और मेरे कितने ही चलान हुए ही नहीं है, उनको ज़्यादा पता होगा वैसे जो मेरे को जानते हैं। तो बस स्टोरी यही थी, इसके आगे का अगर जो आ रही होगी आवाज़ वो तो मैं डालूँगी, पर देखते हैं कहाँ तक आ रही है। सोचा वो लगी हुई है अभी लाइट से, याद अच्छी थी अब 15 सेकंड रही। चलो मिलते मिलते मैंने डैडी गजब चीज़ देखी है, तुम्हें भी दिखाना चाहती हूँ एक बार। पर मुझे यहाँ से राइड जाना है, पर वो मैं तुम्हारे को चीज़ तो दिखानी पड़ेगी, फिर आगे से राइड कर लेंगे। तुम्हारे को एंटीक पीस दिखाते हैं, देख लो तुम गाड़ी का व्यू। चंडीगढ़ आए और ऐसी चीज़ें ना दिखे तो क्या हुआ। अब मुझे जाना है 35, मैं बढ़ी आगे, मैं तो इधर ही घूमते रह जाऊँगी तुम्हारे को दिखाते दिखाते, ये तो इधर ही बन जाएंगे, बज जाएंगे साथ। सीधा ही जाना है वैसे, 34 के बाद ही 35 आ जाए।
अभी मैं पहुंच गई हूँ वापस रूम। बीच में मैंने कर दिया था बंद क्योंकि इसकी हो गई थी बैटरी लो, तो जैसी बची हुई है अभी। तो मैं कह रही थी कि क्या हुआ, मैं सर्विस सेंटर पहुंची या नहीं पहुंची, मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, लैपटॉप ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब बताऊंगी मैं आपको, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में ये कंटिन्यू करूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यार अब नहीं हटेंगे भाई, तो ये सब बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और क्या कहते हैं क्या था, बैटरी लो हो गई है, तो मैं कह रही थी सब्सक्राइब कर दो, पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये हेलमेट के साथ पता नहीं कैसा आ रहा है। चलो ठीक है, बाय।